अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यमुना है और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी थाउजेंड थॉट्स को टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म। और क्योंकि ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं ग्रॉसरी करने नहीं जा सकती, तो 25mycart.pk से मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी जो भी इसमें यूज़ की है वो मंगवाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हम कबाब्स बनाएंगे और कबाब्स बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप लेंगे। इसके बाद आप एक बॉल लेंगे, ठीक है। इस बॉल में आप जो है वो कीमा डालेंगे और कीमा को हल्के हल्के हाथ से आप मैश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना आप कीमा मैश करेंगे उतना आपके कबाब जो हैं वो अच्छे बनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दो ब्रेड के स्लाइसेस जिसको हमने तोड़ लिया है अच्छे से, और इन ब्रेड को कोशिश करें इन ब्रेड के स्लाइसेस को हल्का सा पानी लगा के रखें और फिर इसके अंदर मिक्स करें तो ये ज़्यादा अच्छे से जो है वो कीमे के साथ मिक्स होंगे। देन हम इसके अंदर इसको अच्छे से जब हम एक अच्छा मिक्स देकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक एग, ठीक है। अंडा जो है वो आपके कबाब्स को जो है वो खुलने से रोकेगा, ठीक है। आपको जो कबाब को एकदम बंद रखेगा, आपके कबाब खुलेंगे नहीं इससे। तो इस अंडे को हम अच्छे से मिक्स एक अच्छा मिक्सचर मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक, ठीक है। गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे, क्योंकि जितना आप मिक्स करते जाएंगे उतना आपके कबाब अच्छे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक, ठीक है। नमक आप हसब जायका इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि इतना आपके घर में यूज़ होता हो। उसके बाद क्रश रेड चिलीज़, कुटी हुई लाल मिर्चें, देन ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, देन इसमें धनिया पाउडर जाएगा, देन इसमें गरम मसाला जाएगा, उसके बाद ज़ीरा पाउडर, और आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे दो हमने जो ग्रीन चिलीज ली थी उसको चॉप्ड करके हम लेंगे और इसको अच्छे से एक अच्छा मिक्स देंगे। ये कबाब सारे जो हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब हम इसके जो हैं कबाब्स बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपने हाथों के ज़रिए कबाब्स बना लें। अगर आपसे नहीं बनते तो आप सीखे भी यूज़ कर सकते हैं, सीख के अंदर प्रो के आप उसके कबाब्स बना लें। और ये देखें, ये हमारा कबाब रेडी हो गया है और हम अभी मैजिक करते हैं और हमारे सारे कबाब रेडी हो गए हैं। उस वक्त हमारे सारे कबाब रेडी हैं, अब हम इनको जाके फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, डार्क हो जाए तो आप इनको निकाल लें प्लेट में अलग से। उसके बाद जो हमारे जो जब हम उसके जो ग्रेवी बनानी है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी जो चीज़ें आपको किसी ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए, तो हम एक पतीली लेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम लहसुन को हल्का सा करकराएंगे। करकराने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट, ठीक है। हाफ के जी टमाटो पेस्ट था जो कि हमने इसके अंदर ऐड किया है। देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर, हल्दी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद ये ज़ीरा पाउडर, उसके बाद ये धनिया पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एंड देन हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कबाब ऐड कर देंगे। सारे जितने भी आपने बनाए हैं वो सारे कबाब आप उसके अंदर इस तरीके से ऐड कर दें और उनको मिक्स करके आप इसके ऊपर हरा धनिया का डाल कर इसको आप कुछ देर के लिए दम पे रख दें, ठीक है। जब ये अच्छे से गल जाए, जब आपको लगने लगे इसको खुशबू आ जाए, देन आप इसके अंदर एक कोयला गर्म करके आप एक प्लेट या कुछ भी फॉइल रख के उसके अंदर कोयले का धुआं दें, ठीक है। कोयला गर्म करें आँच पे और उसके अंदर ऑयल डाल के उसको अच्छे से उसका धुआं निकले तो फिर आपको कवर कर दें और फिर इस तरीके से आप इसको सर्व करें। देखें कितना अच्छा इसका